गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जीएसटी अमेंडमेंट इन रिलेशन टू इनवॉइस। फ्रेंड्स, मैंने आज से एक हफ्ते पहले एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि 1 फरवरी 2019 से जो है जीएसटी इनवॉइस और क्रेडिट नोट का जो है सेक्शन वो चेंज होने वाला है और उसमें काफी सारे चेंजेस होने वाले हैं। तो उस वीडियो में मेरे पास काफी सारे कमेंट्स आ रहे थे, मेरे पास मेल्स में आ रही थी रिक्वेस्ट कि सर उसका जो प्रैक्टिकल वीडियो है कि कैसे हम लोग उसको इनवॉइसिंग को प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे, उसकी एक वीडियो शेयर करने के लिए। तो आज मैं आपके साथ उसी टॉपिक से रिलेटेड आज प्रैक्टिकल वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा एग्जाम्पल के साथ कि कैसे आपको इनवॉइसिंग करना है और क्रेडिट नोट इशू करना है 1 फरवरी 2019 के बाद। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक ताकि आप अपनी इनवॉइसिंग की जो पॉलिसीज हैं वो 1 फरवरी 2019 से चेंज कैसे करना है वो समझ पाए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देख पा रहे हैं स्क्रीन पे जीएसटी इनवॉइस 1 फरवरी 2019 से कैसे बनाना है जीएसटी में इनवॉइस विथ एग्जांपल्स। इनवॉइसेस मींस क्रेडिट नोट्स, इनवॉइसेस एंड क्रेडिट नोट्स दोनों की हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो पे आगे चलने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। और आपने वीडियो लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि वीडियो की भावनाओं में आप आगे चल के खो जाने वाले हैं, आपसे वीडियो लाइक करना रह जाएगा। और इसको आप वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि जो भी लोग इनवॉइसिंग करते हैं जीएसटी के अंदर वो इस चीज को अच्छे से समझ ले और आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं आपको पहले बताने वाला हूं कि पुराना लॉ क्या था, फटाफट मैं आपको बताऊंगा और फिर मैं बताऊंगा न्यू लॉ क्या है, फिर चलेंगे हम लोग एग्जांपल्स में। ओल्ड लॉ है वेयर अ टैक्स इनवॉइस इज इशूड एंड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टैक्स चार्ज्ड इज फाउंड टू बी मोर देन द वैल्यू ऑफ सच सप्लाई ऑफ गुड्स और गुड्स आर रिटर्न और सप्लाई वाज डेफिशिएंट द सप्लायर मे इशू अ क्रेडिट नोट एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। ये मैंने बिल्कुल सिंपल करके लिखा हुआ है आपको समझाने के लिए, एक्ट में और भी ज्यादा टेक्निकली लिखा हुआ था इसके अंदर। तो मैंने आपको, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने ए जो है उसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है और यहां भी मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ है। दैट मींस कि आपको जो पहले था 1 फरवरी 2019 के पहले आपको जो करना है, अगर एक इनवॉइस आपने इशू किया, एक टैक्स इनवॉइस मतलब अ टैक्स इनवॉइस, तो उसके लिए आपको एक सिंगल क्रेडिट नोट इशू करना है। अ टैक्स इनवॉइस मे इशू अ क्रेडिट नोट मतलब एक टैक्स इनवॉइस के सामने सिर्फ और सिर्फ एक क्रेडिट नोट इशू करना था। इसमें काफी लोगों को कंफ्यूजन हो रहा था, काफी लोग गलती कर रहे थे कि एक इनवॉइस है उसके अगेंस्ट अगर हम लोगों को 4-5 इन क्रेडिट नोट इशू करना है या 4-5 इनवॉइसेस है तो उसको सबको मिला करके इकट्ठा एक क्रेडिट नोट इशू कर दे रहे थे, फिर वो GSTR1 में जो है अपलोड करने में परेशानी आ रही थी। उसी प्रकार से डेबिट नोट के लिए है कि वेयर अ टैक्स इनवॉइस इज इशूड एंड टैक्सेबल वैल्यू ऑफ टैक्स चार्ज्ड इज फाउंड टू बी लेस देन द वैल्यू ऑफ सच सप्लाई। क्रेडिट नोट तब इशू करते हैं जब जो हमारी वैल्यू है सेल की वो हमने ज्यादा चार्ज कर लिया है, चार्ज होना चाहिए था कम, या फिर वो जो गुड्स हमने बेचा था वो गुड्स वापस आ गया, तब क्रेडिट नोट इशू होता है। डेबिट नोट तब इशू होता है जब हमने जो माल सेल किया है उसकी वैल्यू जो हमने इनवॉइस में डाली है वो डाल दी है कम, माल की वैल्यू होनी चाहिए थी ज्यादा। तो डेबिट नोट इशू करने का सिचुएशन अगर बनता था तो हम लोगों को एक टैक्स इनवॉइस के सामने एक डेबिट नोट, वेयर अ टैक्स इनवॉइस वेयर अ टैक्स इनवॉइस इज इशूड and taxable value of tax charged is found to be less than the value of such supply, the supplier may issue a debit note। तो यहाँ पर word use किया गया था a, a का मतलब हो गया single tax invoice के सामने single credit note, single tax invoice के सामने single debit note। New law क्या कहता है? New law कहता है where one or more tax invoices, यहाँ पर अब a word को हटा करके one or more tax invoices कर दिया गया, मतलब एक या एक से ज़्यादा tax invoices आप issue करते हैं have been issued and taxable value or tax charged is found to be more than the value of such supply or goods are returned, supply was found to be deficient, the supplier may issue one or more credit notes for supplies made in a financial year as may be prescribed। अब यहाँ पे new कानून जो है, new जो act बना है, जो new provisions है उसमें कहा गया है कि अगर आप एक या एक से ज्यादा tax invoice बनाते हैं और उस टैक्स इनवॉइस में जो माल गया या उस टैक्स इनवॉइसेस से जो माल गया वो माल अगर वापस आ जाता है या फिर उस माल की वैल्यू जो है वो कम है, ज्यादा हो गई है बिल के अंदर, होनी चाहिए थी कम, या फिर वो जो सप्लाई है वो डेफिशिएंट है, तो उसके सामने आप एक या एक से ज्यादा भी क्रेडिट नोट बना सकते हैं एक फाइनेंशियल ईयर में। तो जितने भी फाइनेंशियल ईयर के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितने भी सप्लाईज आपने किए होंगे उन सबको मिला करके आप एक या एक से ज्यादा क्रेडिट नोट बना सकते हैं, प्रोविजन इस चीज का डाल दिया गया है। सिमिलर तरीके से डेबिट नोट्स के लिए भी कि वेयर वन और मोर टैक्स इनवॉइसेस हैव बीन इशूड एंड टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स चार्ज इज फाउंड टू बी लेस देन द वैल्यू ऑफ सप्लाई द सप्लायर मे इशू वन और मोर डेबिट नोट्स फॉर सप्लाईज मेड इन अ फाइनेंशियल ईयर एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। अपने आप अगर आपने एक या एक से ज्यादा टैक्स इनवॉइसेस इशू किया
और जो टैक्स इनवॉइसेस में जो वैल्यू दिखाया है वह वैल्यू दिखा दिया है कम, होना चाहिए था ज्यादा, तो आप उस टैक्स इनवॉइस या उस टैक्स इनवॉइसेस के रिलेशन में एक या एक से डेबिट नोट, एक या एक से ज्यादा डेबिट नोट इशू कर सकते हैं पूरे साल की सप्लाईज को मिला करके, पूरे फाइनेंशियल ईयर की सप्लाईज को मिला करके आप एक या एक से ज्यादा डेबिट नोट भी इशू कर सकते हैं। ये हो गया नया लॉ। पहले था एक इनवॉइस एक क्रेडिट नोट, एक इनवॉइस एक डेबिट नोट, अब हो गया एक या एक से ज्यादा इनवॉइस और एक से एक या एक से ज्यादा क्रेडिट नोट। सिमिलरली एक या एक से ज्यादा टैक्स इनवॉइस या एक से ज्यादा डेबिट नोट भी आप बना सकते हैं। अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल। पहले हम लोग देखते हैं पुराने एक्ट का क्या एग्जाम्पल था, कैसे हम लोग इशू करते थे। इनवॉइस नंबर वन डेटेड 1/4/2018 ऑफ 90,000, एक इनवॉइस है 1/4/2018 का, 90,000 की वैल्यू है इशूड, वो बनाया गया है, माल बेचा गया। एंड गुड्स टू दिस इनवॉइस रिटर्न्ड इन 3 lots ऑफ 30,000 ईच ऑन डिफरेंट डेट्स, और उस माल का जो है उस बिल पे जो माल गया वो सारा का सारा माल 3 lot में अलग अलग डेट्स में वो वापस हमारे पास आ गया, सेल्स रिटर्न होकर के आ गई। तो हम लोगों को क्रेडिट नोट कैसे बनाना है, ओल्ड लॉ में कैसे बनाना था। क्रेडिट नोट एक, क्रेडिट नोट नंबर वन 30,000 का पहला लॉट आया 1 मई 2018 को, तो आपको उतने का क्रेडिट नोट बना करके देना है और आपको उसमें टैग करना है कि ये कौन सा इनवॉइस का है, तो वो इनवॉइस नंबर वन के साथ आपको वो फाड़ना था कि इनवॉइस नंबर वन के सामने आपको क्रेडिट नोट वन आपको रिफ्लेक्ट करवाना था, क्योंकि जब आप क्रेडिट नोट बनाएंगे तो उसमें आपको ओरिजिनल इनवॉइस नंबर और ओरिजिनल इनवॉइस डेट डालना पड़ता था, जो कि GSTR1 में हम लोगों को ऑनलाइन अपलोड करना होता है। उसी प्रकार से क्रेडिट नोट नंबर टू जब दूसरा लॉट आया 1 जून को, तो उसके लिए हमने 30,000 का क्रेडिट नोट बनाया और उसके भी हमने इनवॉइसेस के सामने इनवॉइस नंबर वन ही वहां पर टाइप करेंगे और उसके सामने हम इनवॉइस नंबर वन के सामने क्रेडिट नोट नंबर टू दे देंगे वो नेक्स्ट टैक्स पीरियड का। फिर 1 जुलाई 2018 को क्रेडिट नोट नंबर 3 दिया जब हम लोगों का थर्ड लॉट माल वापसी आया है। तो इस सिचुएशन में यह था कि एक इनवॉइस के सामने हमने 3 credit note अलग अलग डेट्स में बनाए हैं, लेकिन तीनों को अलग अलग करके बनाना पड़ा क्योंकि तीनों की डेट्स अलग अलग थी, 3 lots में आई थी। अब उसके बाद है दूसरा एग्जांपल कि इनवॉइस नंबर 2 इशूड ऑन 1 सितंबर 2018, एक इनवॉइस है इनवॉइस नंबर 2 जो कि 1 सितंबर 2018 को इशू किया गया था 1 lakh का, एक इनवॉइस है इनवॉइस नंबर 3 15/9/2018 को 50,000 का, इनवॉइस नंबर 4 इशूड ऑन 20/9/50,000 का। यहाँ पर 3 invoices हैं, इनवॉइस 2 इनवॉइस 3 इनवॉइस 4, 1 lakh का 50,000 का 50,000 का, 3 अलग अलग invoices हैं अलग अलग डेट के। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, नहीं तो बिल्कुल ये प्रॉब्लम फिर क्रिएट करेगी आपके सामने और आप हमसे फिर क्वेश्चन करेंगे बिना वीडियो को समझे हुए। एंड ऑल गुड्स रिटर्न ऑन 30/9/2018, इस 3 bills का माल गया और तीनों बिल का माल इकट्ठा वापस आ गया 30/9/2018 को, तीनों का तीनों माल रिजेक्ट हो गया, वो माल वापस आ गया। हाउ टू इशू क्रेडिट नोट, पुराना लॉ कहता है कि इनवॉइस नंबर 2 जो हुआ उसके सामने आपको क्रेडिट नोट नंबर 1 बनाना है और उस क्रेडिट नोट में इनवॉइस का रेफरेंस डालना है, इनवॉइस नंबर 3 के अगेंस्ट आपको डिफरेंट क्रेडिट नोट बनाना है। भले ही आपने एक ही दिन में तीनों बिल का माल वापस मंगा लिया, लेकिन आपको क्रेडिट नोट तीनों बिल के अगेंस्ट सेपरेट सेपरेट बनाना होगा। अगर आप इकट्ठा करके एक ही क्रेडिट नोट में तीनों इनवॉइस को रिफ्लेक्ट करवा देंगे तो आप अपनी GSTR1 के अंदर जो पोर्टल है उसमें आप अपनी क्रेडिट नोट्स को अपलोड नहीं कर पाएंगे और आप अपना GSTR1 भी फाइल नहीं कर पाएंगे। ये पुराना लॉ है, क्रेडिट नोट नंबर 2 अगेंस्ट सीरियल नंबर 3, क्रेडिट नोट नंबर 3 अगेंस्ट इनवॉइस नंबर 4। तो वहां पर आपको रेफरेंस नंबर देना होता है इनवॉइसेस का, जब आप क्रेडिट नोट बनाते हैं तो आपको ओरिजिनल इनवॉइस नंबर का रेफरेंस मांगा जाता है। अब न्यू एग्जांपल देखते हैं कि न्यू एक्ट में क्या होगा। इनवॉइस नंबर 1 डेटेड 1 फरवरी 2019, 90,000 का है, सेम एग्जांपल रखा है मैंने, एंड गुड्स ऑफ दिस इनवॉइसेस रिटर्न्ड इन 3 lots ऑफ 30,000 ईच इन डिफरेंट डेट्स, तो हाउ टू इशू क्रेडिट नोट। तो अब आपको एक क्रेडिट नोट इशू करना है 90,000 का 31 मार्च 2019 को, आप इकट्ठा एक साल के अंदर एक बार क्रेडिट नोट इशू कर दीजिए और सारा का सारा इनवॉइसेस जो है उसमें आप रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं, आपको अलग अलग क्रेडिट नोट इशू करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एक माल बेचा है 90,000 का, 3 bars में आया, आपने तीनों को मिला करके इकट्ठा एक क्रेडिट नोट बना देना है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीएसटी पोर्टल जो है ऑनलाइन, अब काफी लोगों की क्वेरीज ये आ रही है कि सर ऑनलाइन पोर्टल में तो एक्सेप्ट करेगा नहीं, तो ऐसा है पोर्टल जो है वो अकॉर्डिंगली अपडेट किया जाएगा, अकॉर्डिंगली चेंज किया जाएगा एक्ट के अकॉर्डिंगली। अभी चूंकि एक्ट ऐसा बना हुआ है इसीलिए पोर्टल ये चीज है, जब एक्ट चेंज हो जाएगा तो पोर्टल भी चेंज हो जाएगा। उसके बाद दूसरा एग्जांपल जो था हमारा कि इनवॉइस नंबर 2 इशूड ऑन 1 फरवरी 2019, यहाँ पे मैंने थोड़ा डेट चेंज किया है क्योंकि एग्जांपल समझने में आसान हो। 1 फरवरी 2019 को एक इनवॉइस इशू हुआ 1 lakh का, इनवॉइस नंबर 3 इशू हुआ है 15 फरवरी को, इनवॉइस नंबर 4 इशू हुआ है 20 फरवरी को, और तीनों इनवॉइस का जो माल है वो 31 मार्च 2019 को रिटर्न बैक आ गया।
तो क्रेडिट नोट कैसे इशू होगा? सिंपली आपको एक क्रेडिट नोट इशू कर देना है 31 मार्च 2019 को जब माल वापस आया, और उस क्रेडिट नोट में आप तीनों बिल का रेफरेंस डाल सकते हैं, बिल नंबर 2, बिल नंबर 3, बिल नंबर 4 कैन बी इशूड इन अ सिंगल डे। पहले ये नहीं था, पहले आपको अलग अलग, आप देख रहे हैं मैंने ये काट दिया है, जो पुराना लॉ के हिसाब से जो एग्जाम्पल था उसमें तीन आपको क्रेडिट नोट बनाने थे, मैंने दो काट दिए हैं, आपको सिर्फ एक ही क्रेडिट नोट बनाना है और उसमें आप तीनों इनवॉइसेस के रेफरेंसेस को आप डाल सकते हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल था, प्रैक्टिकल वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है कि आपको जो है क्रेडिट नोट और इनवॉइसेस 1 फरवरी 2019 से कैसे आपनी चेंज करनी है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि जिनको भी इनवॉइसिंग और क्रेडिट नोट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो इस चीज को देख करके अपने आप को अकॉर्डिंगली करेक्ट कर पाए। और आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और आपने अभी तक हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर पेज को फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां जाकर उसे फॉलो कर सकते हैं। आप अपनी क्वेरीज और पोस्ट हमें वहां पर आप डाल सकते हैं, आप हमसे कमेंट करके नीचे भी पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।